प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की 93वीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कृषि आंदोलन के बीच फिर संकेत दे दिए हैं कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना वैक्सीन, कृषि सुधार, ग्रामीण भारत और उद्योगपतियों से निवेश को लेकर बात की। पीएम के संबोधन में सबसे जरूरी 10 बड़ी बातें रहीं। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2020 में हमने काफी कुछ बदलते देखा है, किसी T20 मैच की तरह। भारत ने जिस तरह बीते कुछ महीनों में एकजुट होकर काम किया है, नीतियां बनाई, निर्णय लिए, इससे सब संभला है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के समय भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया। आज इसका नतीजा दुनिया भी देख रही है। एक समय था जब कुछ लोग ये सवाल उठाते थे कि अशिक्षा और गरीबी भरे माहौल में भारत कैसे टेक्नोलॉजी को अपने सामान्य नागरिकों तक पहुंच पाएगा। लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है और बहुत सफलता के साथ करके दिखाया है, दिखाता रहे। पीएम मोदी ने कहा कि इतने उतार चढ़ाव से देश और दुनिया गुजरी है, कुछ वर्षों बाद जब हम कोरोना काल को याद करेंगे तो शायद यकीन ही नहीं आएगा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हालात बहुत तेजी से सुधर भी रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने कहा कि नए कृषि कानून से निवेश के रास्ते खुलेंगे। हम कृषि से जुड़ी चीजों की दीवारें हटा रहे हैं, किसानों की समृद्धि से ही देश समृद्ध होगा। फिक्की सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल बेचने और खरीदने का भी विकल्प दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6 सालों में दुनिया ने भारत में गजब का विश्वास दिखाया है और ये विश्वास पिछले 6 महीनों में और भी मजबूत हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि फिर वो चाहे FDI हो या FPI, विदेशी निवेशकों ने भारत में रिकॉर्ड निवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती में जितना निजी क्षेत्र के द्वारा निवेश किया जाना चाहिए था, उतना निवेश नहीं किया गया। निजी क्षेत्र ने कृषि क्षेत्र को एक्सप्लोर नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की मंडियों का आधुनिकीकरण हो रहा है, फसलों को मंडी के साथ बाजार में बेचने का विकल्प मिल रहा है। आज भारत में कॉरपोरेट टैक्स दुनिया में सबसे कम है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इंस्पेक्टर राज और टैक्स के जंजाल को पीछे छोड़कर भारत अपने उद्यमियों पर भरोसा कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब एक सेक्टर विकसित करता है तो उसका विकास दूसरे सेक्टरों पर भी पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में वैक्सीन को लेकर तेजी से काम हो रहा है। ये निश्चित है कि 21वीं सदी के भारत की ग्रोथ को गांव और छोटे शहर ही सपोर्ट करने वाले हैं। कारोबारियों को गांव और छोटे शहरों में निवेश का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, VTTV, भारत।